सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फनी फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ योगा करने। तो योगा आपको पता है, योगा की बहुत अच्छा होता है मेरे हेल्थ के लिए। तो वो हमें फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग रखता है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे। मेरे दोस्त वगैरह बहुत सारे अंकल वगैरह आते हैं योगा करने, तो मैंने सोचा मैं भी चला जाऊँ। मैं जाता था लेकिन एक दो दिन से नहीं गया था, तो सोचा मैंने कि आपको भी दिखा दूँ। सो दोस्तों अब चलते हैं, दुकान पूरी बंद है, शॉर्टकट वाले रास्ते आना है क्योंकि टाइम लग जाएगा, नहीं तो मुझे। सो गाइस, कुछ ऐसे टाइप के जो टाइल्स हैं वो लगने के लिए बोल रहे हैं रोड में। पहले अपनी टीम को बुलाने जाता हूँ। गाइस फाइनली हम जॉगिंग करने के लिए निकल गए, अब सीधा तब मिलेंगे जब योगा करेंगे। सो गाइस, ब्लॉग बनाते बनाते मेरे साथियों ने मुझे पीछे छोड़ दिया, तब आराम आराम से आना पड़ रहा मुझे। मामी आप सब घूमने जा रहे हो क्या? सब जा रहे बेटा घूमने जा रहे आज। हाँ। बस हमने कहा जरा आज घूमने चलते हैं। मामा जी आप क्या संदेश देना चाहोगे मतलब जनता को? पूरी जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भाई कोरोना काल में जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है, हम सब लोग उसका पालन करें, और भगवान की कृपा से बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है। परंतु जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, हमको जो है अपने सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, और सामाजिक दूरी हुआ और मास्क पहनना हुआ। और इस टाइम तो है हम जंगल में हैं, इस टाइम हमने भी मास्क नहीं पहन रखा है, परंतु हम लोग जब मास्क पहने रहते हैं। सभी लोग अपने लोगों से निवेदन करता हूं कि पहाड़ का सौंदर्य को संवारने के लिए भी आप सब लोग पहाड़ में आइए, जो हमारे लोग हैं, और कभी कभी पहाड़ में आए। और बाहर तो बड़ा प्रदूषण है शहरों में, इसलिए आप लोग जो है हाँ जो है पहाड़ में आइए, हरिश्रण भी आइए जरूर, हरिश्रण आइए, बहुत अच्छे सौंदर्य से भरा पूरा है। ऊपर बूढ़ा बसारा है, चौरी खाल है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, अच्छी अच्छी जगह देखने लायक हैं। और थलीसर में रहने की भी बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, होटल हैं, लॉज हैं, खाने की व्यवस्था है, और सब चीज़ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पे, थाना यहाँ पे है, कोई भी यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं पहाड़ में। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि भाई आप पहाड़ में ज़रूर आएँ, और हमारे थलीसर क्षेत्र में यहाँ बहुत ही अच्छा सौंदर्य है, इसमें बहुत अच्छा आनंद है हम लोगों को आ रहा है। और हम जो यहाँ हमेशा जो है, हमको भी यहाँ पे लगभग काफ़ी 40-50 साल हो गए हैं। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप लाइव का लाइव बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, मुझे फाइनली मिल चुके हैं मेरे साथी बहुत सालों बाद। फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन में हम एक्सरसाइज करते हैं। सो गाइस, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। सो गाइस, आज मैं ढंग से मतलब प्रिपेयर नहीं हो रखा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, आज मैं केवल व्लॉगिंग के पर्पज से आ रखा था यहाँ। सो गाइस आ गई, एक्सरसाइज करने का टाइम आ गया। सो अंकल अब आप कुछ कहेंगे कि आप बेसिक से एडवांस कैसे जाओ? स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, लेग चेंज करेंगे। और सो गाइस, पहले पहले आपको बहुत मुश्किल मतलब परेशानी आएगी, इसको अभी भी होती है। हाँ, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ ना अभी। सो गाइस, पिछले लॉकडाउन में तो मैं बहुत ज्यादा ही लेजी हो गया था, वो तो अभी सुबह के 11 बजे उठता था, वो तो अभी इस बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत अच्छी अंदर से सीखने की, वो तो अभी भी है। सो इस बार आई थिंक मैं अपनी बॉडी को फिट रख पाऊंगा। सो गाइस, दूसरे अंकल भी आ चुके हैं योगा करने के लिए। तो अंकल आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब एक्सरसाइज करनी जरूरी है, हेल्दी रहने जरूरी है? जो है ये जरूरी है जो है, और जो है एक्सरसाइज जो है स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक है, इसको सबको करना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक दोनों होने चाहिए।
और उसके साथ एक्सरसाइज कंपलसरी है। और उस हिसाब से थलीसन में अच्छा है ना घूमने उसके लिए, सबके लिए वॉक करने। यहाँ पे जो है वातावरण भी अच्छा है और हर चीज़ जो है बढ़िया है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मैट वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं है जब योगा एक्सरसाइज करें, क्योंकि हाँ जी बहुत अच्छी जगह है, एकदम साफ सुथरी, साफ सुथरी जगह है। तो गाइस मैं भी अपनी मतलब जो मेरा सर है उसको भी थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ, क्योंकि एडिटिंग करते समय मेरा सर थोड़ा दर्द होता है, मैं गर्दन दर्द होती है थोड़ी, उद्गीत होता है सांसे क्या ये भी जो है 5 से 10 बार। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा जो है ये जो है अब अपने जो है सर्कुलेशन के लिए और साइनस के लिए। सो गाइस अंकल प्रोफेशनली एक एग्रीकल्चर ऑफिसर है। ईट हेल्थी स्टे हेल्थी मेन मोटो शुड बी दिस। देखो ये अंकल की फिटनेस का राज। अंकल आपको कितने साल हो गए मतलब यहाँ थलीसन में? मुझे हो गए 9.5 साल। हाँ तो आपका एक्सपीरियंस क्या कैसा है मतलब? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है जी, कोई पॉल्यूशन नहीं है। और योगा करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा है और एकदम कंसंट्रेशन मतलब कोई भी नॉइस पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं, कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं, कोई साउंड पॉल्यूशन नहीं, बस अपना बढ़िया है, बहुत ही अच्छी जगह है। सब लोगों से कहूँगा एक बार पक्का आए थलीसैंड घूमने, बहुत ही अच्छी जगह है ये। यहाँ आपको नदी में मिल जाएगी, प्लेन में मिल जाएगा, पहाड़ में मिल जाएगा, सब एक साथ मिल जाएगा जी। नदी में जाके कैंपिंग कर सकते हैं। सो गाइस थोड़ा अंधेरा सा होने लग गया, तब भी हम अब हमारा टाइम है योगा करने का। योगा अंकल अब आपको लॉफ्टर योगा दिखाएंगे। सो गाइस थोड़ा अंधेरा हो गया और घर जाने का टाइम हो गया। बाय गाइस, साइनिंग ऑफ, बाय जी, बाय। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आपने क्या करना अंकल? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कराना हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जी। बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय। सो गाइस चलो आज के लिए इतना था, तो बाय।